मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube फूड चैनल खाओ पकाओ। आज मेरी बहुत फेवरेट जनाब, तो आज जनाब बनाएंगे बीफ स्टेक बाइट्स। बीफ स्टेक बाइट्स के लिए मैंने जो है, अभी आप देखिए, ये रहा रिबाई हाफ के जी, ठीक है ना। अब चूंकि मैंने जैसे कहा है कि मैंने बनाना है बीफ स्टेक बाइट्स, ठीक है जी, तो बाइट्स फॉर्म में ही कट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बाइट बनाने के बाद जो है, इसके साथ हम बड़ा ही जबरदस्त वाला जो है ना, वो मशरूम क्रीमी सॉस बनाएंगे, बहुत मजेदार, मतलब मजा ना आए पैसे वापस, ठीक है जी। तो जितनी देर में ये बीफ कट करता हूं मैं, आपने क्या करना है यार, अब तो मतलब सफेदी आ गई है बोलते बोलते भाई। सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चले जी, मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। अच्छा भैया, बीफ हो गया, तो अब क्या करना है, बीफ को उठा के हमने ऐसे डालना है एक अदद बोल में। बड़े सिंपल मसाले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, GSP, गार्लिक, सॉल्ट एंड पेपर, और आज जो मैंने टच ऑफ इमरान दिया है, वो दिया है जनाबे अली धनिए के साथ, ठीक है ना। खुश्क धनिया कूटा है जबरदस्त वाला, और इसके बाद ये लेमन का साइज आप देख रहे हैं हाफ, ये मैं इसमें स्क्वीज करूंगा। चलिए अभी बीज हटा लें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मसाला जबरदस्त वाला मिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको छोड़ देना है, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। और इधर मैंने जो है ना अपना कैस्ट आयरन का जो पैन है, ये रख दिया है गर्म होने के लिए, जबरदस्त वाला, ठीक। और इसके अंदर हम यूज करेंगे ओलिव ऑयल, और 20 मिनट के बाद आते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे मजे से बनेगा, क्या बनेगा, बीफ स्टेक बाइट्स, ठीक है जी। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। अच्छा भाई, 20 मिनट हो गए, जबरदस्त वाला पैन हॉट है, और मैंने ऑयल डाल दिया, तो मीडियम से हाई हीट के ऊपर हमने बनाना है, और ये तकरीबन 2 मिनट हो गए, तो अब 2 मिनट के बाद ये आप देखें, कलर चेक करो बस, आए हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, एक एक करके सारी गोटियां जो है ना, आपने इन्हें फ्लिप करना है। अब ये फ्लिप करने के बाद भी 2 मिनट हो गए, अब जनाब इसके अंदर गया मक्खन। अच्छा, मक्खन जो है ये जरा फ्लेवर इन्हेंसर, और यही मक्खन जो है ये मैं यूज करूंगा आगे अपने मशरूम सॉस के अंदर। कुल मिला के कोई 5 मिनट हुआ होंगे, ठीक है, और ये बन चुका है। अब मैं ये अपनी बाइट्स जो हैं ये निकाल रहा हूँ अलग प्लेट में, क्योंकि यही पैन मैं यूज करूंगा अपने मशरूम सॉस के लिए। ब्यूटीफुल, सी, भैया बीफ बाइट्स तो हो गए रेडी, अब बारी आ गई है सॉस की। तो सॉस के लिए जनाब मैंने जो है ये 2 गार्लिक लिए फाइन चॉप करूंगा, 1 प्याज है फाइन चॉप होंगे, और 4 अदद प्यारे प्यारे से क्रीमी मशरूम, ठीक है जी। अच्छा, मैंने व्हाइट वाले नहीं लिए, पर्सनली मुझे जो है ना ये जो क्रीमी होते हैं ना, इनका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। मशरूम हो गए, अब जनाब गार्लिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट अनियन। अनियन को भी जितना फाइन कर सकते हो भैया उतना फाइन, हाथ बचा के हमने, यू गो, ठीक, लाइक बिल्कुल फाइन। सारी कटिंग हो गई है, वही पैन यूज किया है, 1 टेबल ऑलिव ऑयल डाला है। अब जनाब इसके अंदर मैं जो हूँ ये बटर, तकरीबन समझ लें कि आप 1 टेबल स्पून के बराबर है, और ये जो जितना बीफ का जो जूस था ना,
ये सारा सॉस में आएगा तो होए मतलब कोई उधम सी चीज बनने वाली है। सबसे पहले जनाब मैंने डाला इसके अंदर मशरूम। अच्छा भाई, मशरूम की एक खासियत यह है कि मशरूम पानी छोड़ता है, ठीक है। तो जब आपने पकाना है ना तो उसको खूब पकाना है ताकि उसका पानी जो है वो सारा ड्राई आउट हो जाए। वरना होता क्या है, अक्सर लोग ये कहते हैं यार हमारे मशरूम सॉस के अंदर जो है ना वो थोड़ी देर के बाद पानी पानी सा आ जाता है। तो वो पानी पानी सा जो है ना वो मशरूम का पानी होता है। तो उसको अच्छी तरह से इसका सारा पानी जो है वो हम ड्राई करेंगे। नाउ आई ऐड द अनियन। अच्छा, अनियन को ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, बस ट्रांसलूसेंट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। और साथ में ही मैंने डाल दिया अपने गार्लिक चॉप। इसको इस तरह से पकाते हुए मुझे तकरीबन कोई 3 मिनट हो गए, ठीक है। नाउ मैंने ऐड की फुल क्रीम 1/2 कप। अच्छा, अब हमने जो है ना वो हीट स्लो कर देनी। अब फाइनली मैंने एक अदर मोज़रेला चीज़ का एक स्लाइस डाल दिया और ये स्लाइस जो मैजिक करेगा ना, हाँ, जनाब जॉब हो गई डन हमारे सॉस की। नाउ टाइम टू ऐड स्टेक बाइट्स इन इट। हियर वी गो, प्यार से मोहब्बत से। And mix it. Woohoo! True. This is so awesome, man. This is so awesome. अच्छा भाई, ready है? Dish out करते हैं, taste करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा रहा। जनाब मजेदार वाले जो है ना वो beef steak bites with creamy mushroom sauce ready है। साथ में थोड़ी सी चाट vegetable भी है। जबरदस्त वाला जो है ना वो कॉम्बिनेशन बन गया। जरा इसको हेलो हेलो टेस्टिंग 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 कर लें इसकी भाई। लेट मी फिनिश गाइस, ट्रस्ट मी, जूसी क्रीमी मशरूम का एक अपना जो सौंधा सा एक फ्लेवर होता है वो, और ब्लैक पेपर और जो धनिया हमने एक यू नो टच दिया था, जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले ना सबका फ्लेवर आ रहा है। इतना कोई ज़बरदस्त वाली जो है इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। रेसिपी कैसी लगी है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले एक छोटी सी बात अभी कहीं मेरी नज़र से गुजरी कि बच्चे जो होते हैं ना उनका जो ब्रेन इट्स नॉट एम्प्टी वेसल, नहीं है भर दो सारी चीजें। दे हैव देयर ओन इमोशंस, ओन थॉट प्रोसेस, वे ऑफ थिंकिंग। समझे, बात करें। बहुत खुश रहिए, अल्लाह आपको अच्छा खाना खाने और अच्छा खाना खिलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।